हमें एंट्री करते टाइम जो भी नजर आएगा, देखिए ये पोटाशियम है, आपने इसे सीधा पोटाशियम लिखा, उसके बाद आपने जब कैटायन से एनायन में मूव करना है या अगले क्वेश्चंस में एनायन से कैटायन में मूव करेंगे तो इसमें स्पेस छोड़नी है। अब देखिए एलसीओ, सबसे पहले लाइगेंड, कितने लाइगेंड हैं, हेक्सा 6 सीएन हेक्सा साइनाइडो, उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम, ये आयरन है, नेगेटिव ब्रैकेट के अंदर है तो इसका नाम आ जाएगा फेरेट। अब देखिए फेरेट मतलब इसमें कोई आपने गैप नहीं छोड़ना। उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर किस तरह से निकालना है, ये मुझे आपको दोबारा करवाने की वैसे जरूरत है नहीं, पर फिर भी इस क्वेश्चन की डिमांड देख लें क्योंकि मैंने पहले ही वीडियो डाला हुआ। देखिए इसके ऊपर कितना चार्ज है, -4 माइनस। अब लाइगेंड कितने हैं, 6 × इसके ऊपर हमें पता है ये मोनोडेंटेट नेगेटिवली चार्ज लाइगेंड है, एम्बिडेंट लाइगेंड है, तो ये आ जाएगा -1। तो इसकी जो हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी वो आ जाएगी +2। तो जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी उसे हमने रोमन में लिखना है। तो ये इसका IUPAC नेम हो गया। एक बार दोबारा देख लीजिए किस तरह से, सबसे पहले आपको एक कंपाउंड आया, उसको हमने पॉजिटिव और नेगेटिव में डिवाइड किया क्रिस क्रॉस की तरह से, फिर हमने इधर से लेफ्ट साइड से एंट्री ली और जो कैटायन आया उसे एज इट इज़ रखा, और इसमें एलसीओ रूल अप्लाई करके हेक्सा मतलब 6 है, साइनाइडो नेगेटिवली चार्ज है, आपको पता कि ये नेगेटिवली चार्ज है तो बिल्कुल इसमें स्पेस नहीं छोड़नी और इसमें रोमन से हमने लिखना। तो ये एक हमारे पास जो एग्जांपल आई है ये नेगेटिवली चार्ज कोऑर्डिनेशन सफेयर की एग्जांपल है। अब हम एक और एग्जांपल लेंगे जिसमें हम पॉजिटिवली चार्ज जो कोऑर्डिनेशन सफेयर देखेंगे, तो इसमें देखिए किस तरह से करना। देखिए जो अगली हम एग्जांपल यहाँ पे लेंगे वो पॉजिटिव चार्ज जो कोऑर्डिनेशन सफियर है वो वाली लेंगे। देखिए कैसे कोबाल्ट अमोनिया और ये पॉजिटिवली चार्ज हम लेंगे। देखिए अब कैसे करना, अब मैं आयन ले रहा हूँ, आपको ये पता लग जाएगा कि जब आयन आएगा तो कैसे करना। अब इधर से एंट्री ली, लाइगेंड कितने हैं, 6 हेक्सा, ये न्यूट्रल है हमें पता है, तो इसका नाम लिखेंगे हेक्सा अमाइन LCO, लाइगेंड खत्म। अब मेटल एटम कौन सा है, पॉजिटिव के अंदर है तो ये आ जाएगा कोबाल्ट, ये भी खत्म। अब आ जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर के लिए आपको 2 ब्रैकेट्स लगानी और इसके ऊपर का चार्ज कितना है, +3 -6 × अमोनिया के ऊपर चार्ज है 0, तो ये हमारे पास इसका ऑक्सीडेशन नंबर आ गया +3। तो हम क्या लिख देंगे इधर रोमन में 3। अब ये आयन है, अगर तो ये आयन ना होता, सपोज करें यहाँ पे हमारे पास कोई इस तरह से ये कंपाउंड आता, बट ये हमारे पास आ गया आयन। अगर कंपाउंड होता तो हमने इधर ही छोड़ देना था इसको, बस ये आंसर आ जाना था, बट अब यहाँ पे आयन है तो हमें इस जगह पे लिखना पड़ेगा आयन हेक्सा, क्योंकि 6 है अमाइन, कोबाल्ट पॉजिटिव के अंदर है, 3 आयन। तो इस तरह से आपने इन IUPAC नेम्स को अच्छी तरह से समझना है, और कोई ज़्यादा टफ नहीं है, बस आपने LCO को याद रखना है, आपको कोई कॉम्प्लेक्सिटी फील नहीं होगी। थैंक यू।